हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट ज्ञान। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे 10th के स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन है कि वो 10th के बाद क्या करे, कौन सा स्ट्रीम चुने। तो इसका आंसर देने से पहले मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि अगर मैं 85% मार्क्स आ गए तो मैं साइंस ले लूंगा, और 60-80 के बीच आ गया तो मैं कॉमर्स ले लूंगा, और 60% के नीचे आ गए तो आर्ट्स ले लेंगे, और वैसे भी स्कूल वाले आर्ट्स ही देंगे। और कुछ स्टूडेंट अपने क्लासमेट को देख के नकल करते हैं कि उसने साइंस ले लिया, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, उसने कॉमर्स लिया है मैं भी कॉमर्स लेता हूँ, उसने आर्ट्स में ये वाला सब्जेक्ट लिया है मैं भी यही लेता हूँ। एक और लॉजिक फॉलो करते हैं कि कुछ स्टूडेंट 10th में साइंस या मैथ का ट्यूशन लगवाते हैं, उन्हें एक आध चैप्टर साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है तो टीचर भी कहते हैं कि तुम्हें साइंस ही लेना है, साइंस के लिए उन्हें मोटिवेट कर देते हैं, और मैथ्स में अच्छा है तो कहते हैं कि तुम कॉमर्स ले लेना। तो बस ये एक आध चैप्टर से ही बात नहीं बनती, तो इस तरीके से कुछ स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट या अपना स्ट्रीम चुनते हैं, जो ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि ऐसे तो वो अपना स्ट्रीम चुन लेते हैं बिना उसके जाने बगैर कि साइंस में आकर क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, उसकी कौन से करियर ऑप्शन हैं, आर्ट्स में क्या होता है, क्या क्या उसमें पढ़ना होता है, उसमें क्या चीज़ है, तो सभी के बारे में पहले जानो, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लो। अगर इस तरीके से आपने सब्जेक्ट चूज किया तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, अपना एक साल दो साल बर्बाद करोगे, फिर बैक आकर फिर अपना जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है वो चूज करोगे, फिर आपको दोबारा कोर्स करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट चुनने का सही तरीका क्या है ना, कौन सा स्ट्रीम चुने जिससे आप सक्सेस हो पाओ, जिसमें आप सक्सेस हो सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और सेकंड थिंग, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट से पूछिए, अच्छे स्टूडेंट से पूछिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे मान लो कि आपने साइंस वाले, साइंस के एक अच्छे स्टूडेंट से आपने आपको पूछना है कि इसमें कौन कौन से अच्छे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से इसमें कैरियर ऑप्शन है, उन सबको आप अपनी डायरी में नोट कीजिए। इसी तरह कॉमर्स के एक अच्छे स्टूडेंट से पूछिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होते हैं, इसमें कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं, है ना। आर्ट्स वाले से पूछिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या और इससे रिलेटेड कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं, तो ये सब आप चूज कीजिए। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है वो किस में है, और फिर तब जाकर आप डिसाइड लो कि हाँ कि आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना है। 10वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम को जाने बिना कि उस स्ट्रीम में क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या जॉब्स ऑप्शन है, उसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, अगर आपने उसे सिलेक्ट कर लिया तो ये तो अंधेरे में तीर मारने जैसा है। तो पहले सबके बारे में डिटेल जानो कि किसमें क्या चीज़ होता है, फिर जाके डिसाइड करो कि आप क्या सब्जेक्ट चुनना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हर एक सब्जेक्ट का, हर एक स्ट्रीम का वीडियो में बनाओ कि उस स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना होता है, कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है, तो प्लीज़ कमेंट करना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और कुछ पूछना हो, कुछ आपके मन में डाउट हो या किसी भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि और कोई भी इस वीडियो को देख सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।